ये देखो ये अभी भी सो रहा है। हमारे बिल्ली का नाना हो गया सुबह सुबह और इसका अभी तक नींद नहीं टूटा। गुड मॉर्निंग, 11:30 हो गया है टाइम। लाइट 11:30 हो गया है, उठो और कितना सोना है। क्या है ना टाइम 11:30। देखो बिल्ली भी ना लिया और तुम अभी तक सो रहे हो। कल सोते सोते 3:30 बज गया था, अभी 11:30 टाइम हो गया है। हमें लंच के बाद जाना है रिया के घर कुछ एसेंशियल सामान देने के लिए, तो फिर आकर एडिटिंग भी करना है, वीडियो भी बनाना है। तो जाके मैं नहाकर आता हूँ, थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद हेलमेट का माउंटिंग भी करना है क्योंकि उस दिन हेलमेट का सब कुछ मैं खोल दिया था, माइक वगैरह, इसलिए हेलमेट का माइक वगैरह भी लगाना है और हेलमेट में गोप्रो माउंट भी लगाना है। तो अगर टाइम होगा तो उसका भी वीडियो आज बनाएंगे, हेलमेट में कैसे गोप्रो माउंट करते हैं और कैसे हेलमेट का माइक लगाते हैं, तो देखेंगे आगे। पहले मैं जाकर नहा कर आता हूँ। सुबह एक बार उठने में लेट हो जाए तो पूरा दिन ही लेट होता है। हमें 4 बजे तक निकलना था रिया के घर के लिए, जो मैंने सुबह को बोला कि कुछ सामान पहुँचाना है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 4:15 और मैं अभी ये वीडियो शूट करने के लिए बैठा हूँ। हम लोग नॉर्मली प्लान किए थे कि मोटो ब्लॉगिंग नहीं करेंगे कुछ दिन, इसीलिए हम लोग ये सारे जो अटैचमेंट है ये हेलमेट से खोल कर हम लोग हेलमेट को क्लीन किए थे। लेकिन आज हम लोग निकल रहे हैं रिया के घर के लिए, इसीलिए प्लान किए हम लोग कि अगर निकल रहे हैं तो मोटो ब्लॉगिंग क्यों नहीं। और इसीलिए क्योंकि हम लोग मोटो ब्लॉगिंग के प्लान किए हैं आज, तो हमें करना है मोटो ब्लॉगिंग का गोप्रो का अटैचमेंट इसमें फिक्स। तो क्योंकि हम लोग इसमें अटैचमेंट फिक्स करेंगे तो हमको भी दिखाते हैं कि हम लोग कैसे गोप्रो अपना माउंट करते हैं अपने हेलमेट में। तो नॉर्मली क्योंकि मैं यूज़ करूँगा रिमूवेबल स्ट्रैप्स, क्योंकि मुझे अपना हेलमेट ख़राब नहीं करना है, और दूसरा मैं ये खोल कर किसी और हेलमेट में भी यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि मैं R15 V3 यूज़ करता हूँ, इसीलिए मुझे अपना एक्शन कैमरा के लिए कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे मुझे और थोड़ा एक्सटेंशन मिलता है। इसके अलावा मैं नॉर्मली बोया M1 यूज़ करता हूँ माइक, लेकिन क्योंकि बोया M1 का जो वायर होता है वो बहुत लंबा होता है, जो हेलमेट के अंदर फिट करने में मुझे प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने एक चीप माइक मंगवाया है जो PRRS अटैचमेंट के साथ मुझे टोटल पड़ा है 349। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं अटैचमेंट करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्ट्रैप मैं कैसे लगाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले इसको सेंट्रल में देखना पड़ता है। देखकर जो ये दो स्ट्रैप होते हैं ये इसके अंदर से आपको घुसाना पड़ता है। याद रखिए, आप अगर इसके बाहर से घुसा भेजोगे तो ये हिलेगा, इसीलिए आपको ये जो विंड गार्ड होता है इसके अंदर से आपको भेजना पड़ता है। इसके बाद आपको इसमें क्लिप होता है, ये स्ट्रैप को लेकर उस क्लिप में आपको लॉक करना है। ध्यान से देखिए, ये जो राइट वाला स्ट्रैप है मेरा, मतलब हेलमेट का लेफ्ट वाला, ये जाकर इस स्ट्रैप में, हेलमेट के लेफ्ट वाले स्ट्रैप में ही अंदर से जाएगा, ये अंदर से जाकर फिर बाहर के साइड आएगा। अभी लूज ही रहने देते हैं, बाद में इसको टाइट करेंगे एडजस्टमेंट के साथ। ये देखिए अंदर से जाता है आकर बाहर के साइड, अभी ये लूज़ है, इसको हमें टाइट करना पड़ेगा। एक एक करके स्ट्रैप को आपको खींचना है नीचे की साइड। ये जो बाहर वाला जो स्ट्रैप गया है इसी के पैरेलल आपको अंदर वाला स्ट्रैप भी खींचना है, तो ये आसानी से टाइट हो जाएगा। फिर आपको फाइनल लॉक करना है, दोनों स्ट्रैप को बराबर टाइट करना है ताकि ये हाई विंड में ना हिले। नॉर्मली क्योंकि ये परमानेंट फिक्स नहीं है इसीलिए ये हाई विंड में हिलता है, तो हाई विंड में ना हिले इसीलिए इसको आपको टाइट से लगाना है। ये लूज़ है, इसको मैं बाद में टाइट कर लूँगा। ये देखिए, ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है, इसको आपको पैरेलली खींचना है तब ये टाइट होगा। अगर आप बाहर की तरफ खींचोगे तो ये लॉक हो जाएगा और ये टाइट नहीं होगा, इसलिए पैरेलली आपको खींचना है। ये माउंट तो लग चुका है, चिन माउंट। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें
एक जे माउंट यूज़ करता हूँ, क्योंकि जे माउंट थोड़ा एक्सटेंशन देता है, और इसके अलावा मुझे और 3 माउंट यूज़ करना पड़ता है, ऐसा वाला, एक लंबा वाला, 2 छोटा वाला। इससे क्या होता है, मुझे और थोड़ा एक्सटेंशन मिलता है, इससे कैमरा का व्यू सही होता है, क्योंकि मैं R15 V3 यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए मुझे कैमरा थोड़ा आगे ले जाना पड़ता है ताकि मुझे कैमरा एंगल सही मिले। तो सबसे पहले मैं जे माउंट इसको लगाता हूँ। जे माउंट मैं ऊपर से नीचे के साइड ऐसे लगाता हूँ, ये लग गया। इसके बाद मैं सबसे बड़ा वाला जो ये अटैचमेंट होता है, मैं ये लगाता हूँ। तो ये मुझे, ये मैं ऐसे लगाता हूँ ताकि मैं नीचे के साइड से पिन लगा सकूँ। ये लग गया, ये मैं थोड़ा ऊपर के साइड ले जाता हूँ, ठीक है। अभी सेकेंड वाला, अभी ये पिन मैं नीचे के साइड से लगा सकता हूँ, कभी मुझे आगे पीछे ये करना पड़े तो ये इधर ना लगे, इसलिए मैं इसको नीचे के साइड लगाता हूँ। छोटा वाला माउंट मुझे एक ही चाहिए होता है, एक बड़ा माउंट चाहिए होता है। टोटल 3 लगता है, एक जे माउंट लगता है, एक बड़ा वाला माउंट लगता है, और उसके बाद एक छोटा वाला माउंट। और इधर मैं अपना GoPro लगा सकता हूँ या कोई भी एक्शन कैमरा मैं इधर लगा सकता हूँ। पहले मैं अपना माइक लगा लेता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं आपको यहाँ पर अपना एक्शन कैमरा लगा कर दिखाऊँगा। तो माइक लगाने के लिए सबसे पहले ये जैक को मुझे इसके अंदर से बाहर ले आना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, 6 इंच तक मैं बाहर रखता हूँ, बाकी पूरा अंदर रखता हूँ। इसके बाद ये पूरा जो वायर है ये पीछे के साइड से घूम कर, पहले इसको पीछे के साइड से घुमा कर लाते हैं, पीछे के पैडिंग के अंदर से लेकर पीछे वाला पैडिंग के अंदर से जाकर जाएगा। सबसे पहले माइक को मैं लेफ्ट साइड में लगा लेता हूँ, तब मुझे अरेंजमेंट करने में आसानी होगा। ये मैं साइड में रखता हूँ, इसको आगे की साइड रखने में एक बजिंग आता है, इसीलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ ताकि कोई बजिंग ना आए। ये वायर को पीछे के साइड से लेकर, जो एक्स्ट्रा वायर है वो मैं पीछे में हेलमेट के पीछे की साइड में उसको रख देता हूँ। ये देखिए पूरा पीछे चला गया। उसके बाद साइड वाला आपको लगा देना है। ये देखिए लग चुका है, कहीं से भी अभी वायर लटक नहीं रहा है। ये पूरा अटैचमेंट लग जाने के बाद मैं सबसे पहले अपना GoPro Hero 8 लगाऊंगा। मैं GoPro Hero 8 को उलान जी के केस में यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे माइक अडाप्टर भी लगाना होता है, और ये अडाप्टर कहीं लटके या फिर हेलमेट के साइड में लगाना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उलान जी का ये वाला केस यूज़ करता हूँ। इसके बारे में कभी और रिव्यू करेंगे। इसको फिट करते हैं, इसको सही से देख लेना पड़ता है, नहीं तो फिर थ्रेड ख़राब हो जाता है। पहले आराम से देख लीजिए कि इसका होल सही जगह पर आया कि नहीं, उसके बाद इसको टाइट कीजिए। अपना GoPro माउंट हो जाने के बाद नेक्स्ट काम है माइक अडाप्टर को घुसाना। इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, ये हिल रहा है। पहले माइक अडाप्टर को लगाना है। अडाप्टर घुस जाने के बाद ये जो टाइप सी पोर्ट है इसको अपने एक्शन कैमरा में ठीक तरीके से लगाना है। अभी मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ इसको GoPro के साथ अटैच करने के लिए TRRS का एक जैक और लगता है। तो पहले ये जैक मुझे अपने माइक अडाप्टर में लगाना है, उसके बाद अपना माइक का जो जैक होता है मेन जैक वो इसके अंदर लगाना है। तो ये लग चुका है, आप देख सकते हो हम लोग का अटैचमेंट। अभी मैं जब बाइक में बैठूँगा तभी मैं इसका एंगल सही कर लूँगा, थोड़ा बहुत इधर उधर करने से ये एंगल सही हो जाता है। तो चलिए इसके बाद बाइक में मिलते हैं। तो निकल चुका है यहाँ के घर के लिए, एक्चुअली 4 बजे निकलना था लेकिन अभी 6:30 बज गए क्योंकि थोड़ा बहुत काम था वो निपटाए, उसके बाद निकले। इस लॉकडाउन में ये पहली बार, फुल लॉकडाउन के बाद ये पहली बार हम लोग निकले, तो पता नहीं है कि रास्ते में पुलिस का क्या रिएक्शन है। रास्ता देखकर तो लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, देखते हैं क्या होता है। अगर पुलिस कुछ बोलेगा तो मैं रिया को आगे करके बोलूँगा कि ये मुझे ज़बरदस्ती ले आया, नहीं तो मैं अच्छा बच्चा हूँ घर से नहीं निकलता हूँ। फिर भी क्या करें, इमरजेंसी है कि ये इमरजेंसी सामान तो पहुँचाना है उसके घर पे, तो जाना ही पड़ेगा, देखते हैं।
पर टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मी बहुत है, पता नहीं कब बारिश होगा। फोरकास्ट तो है 26 में से होगा, देखते हैं, बारिश की बहुत ज़रूरत है। हाँ, आरो दो लाइट लगाओ। पता नहीं ये लोग फॉग लाइट सिटी में लगाकर और जलाकर क्यों घूमते हैं। गलियों में चलते हैं, पूरा अपर जलाकर, उसके सिवा दो दो एक्स्ट्रा फॉग लाइट जलाकर चलते हैं। इन लोगों को पता भी नहीं है कि लाइट किस लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा लाइट कहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब तो नया एक नौटंकी चल रहा है कि हर कोई अपने बाइक में हैजर्ड लगाता है, उसके बाद वही जलाकर घूमता है। विदाउट एनी रीज़न हर कोई गलियों में, सड़कों में, हर जगह हैजर्ड जलाकर घूम रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता कि इससे इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, इससे आगे वाले को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन लाइट बस लगाना है, इन लोगों को जलाना है। और एक लाइट का एक एक पर्पस रहता है। अगर अब लगाओ लाइट, और अब हैजर्ड लगाओ, अब फॉग लाइट लगाओ, लेकिन सबसे पहले जान लो कि उसको कहाँ पर एक्चुअली यूज़ करते हैं, और वहीं पर ही यूज़ करो, मिस यूज़ मत करो। কোথায় উঠবে ডিসাইড করতে আজ কি আসছে মনে হলো কি এটা বড় বাচ্চাটা ডাকছে সাইজ দেখো ইসকা গুড়গুড়ি 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 ইসকা দেখ এই যে দাঁড়া তিন রে সব দেখ বাপ রে বাপ রে বাপ রে एक घंटा हो चुका है, हम लोग रिया के घर से लौट चुके हैं, और आते ही हम लोग पूरा का पूरा कचरा अपने बेड पर फैला दिए। और जितना कचरा मेरे घर में फैला हुआ रहता है उसका 70% इस बंदी का होता है। जब मैं सिंगल था तब मेरा रूम बहुत बहुत क्लीन रहता था, लेकिन जब से ये बंदी आई है मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी के साथ साथ मेरा रूम भी कचरे से भर चुका है। जब ये लौटते वक्त हम लोगों ने नीतू के साथ थोड़ा दूर से बात किया, फिर लौटा घर में, और लौटते ही हम लोग पूरा कचरा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल कर दिया घर को। तो जो भी है, रिया अभी एडिटिंग कर रही है, उसके चैनल का मतलब उसका पेंटिंग का एक चैनल है, वो भी नहीं है, मैं जैसे मेरा चैनल नया है वैसे उसका चैनल भी नया है। उसका रिया का एडिट कम्प्लीट होने के बाद मैं एडिटिंग में बैठूँगा और रिया सोने जाएगी। फिर कल जब मैं लेट से उठूंगा और रिया वो वीडियो करके आप लोगों को दिखाएगी कि मैं लेट से उठता हूँ, एक्चुअली मैं क्यों लेट से उठता हूँ वो नहीं दिखाती है। मैं 4 बजे तक अपना एडिटिंग करता हूँ। 4 बजे उठकर वो मिठाई खाती है। हाँ, मिठाई एक देखो, मेरा मुंह देखो, और मिठाई गमला है, गमला। ये मुंह नहीं, ये गमला है। जो भी है, जब तक मैं वर्कआउट करता हूँ, जिस टाइम मैं वर्कआउट करता हूँ मतलब बहुत दिन तक, तब मेरा सब कुछ सही रहता है, डाइटिंग वगैरह। अभी तो मैं वर्कआउट थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, लॉकडाउन भी है, जिम भी नहीं है, तो अभी मिठाई थोड़ा चलता है। अब मेरा थोड़ा मतलब मेरा थोड़ा ही होता है, थोड़ा ही होता है जो भी। तो कल मिलते हैं, आज मैं एडिटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, सो लेता हूँ, कल जल्दी उठने की कोशिश करूँगा, और कल मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।